तो आज हम ग्रुप थ्योरी शुरू करते हैं। आप लोगों ने सेट वगैरह पढ़ा होगा, और अगर आप लोगों को कहीं पे भी कोई दिक्कत आए तो आप लोग पूछ सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके So we start with definition of group. So basically, group is nothing but a set with some operation defined on it, which satisfies some properties. So let G is a non-empty set. यहाँ पे हम लोग नॉन एम्प्टी लेते हैं, क्योंकि अगर हमारा सेट एम्प्टी रहेगा तो हम लोग उस पर कोई ऑपरेशन क्या डिफाइन करेंगे एक एलिमेंट पे, या जहाँ पे एलिमेंट ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम लोग नॉन एम्प्टी लेते हैं। सो नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ग्रुप। तो हम लोग देख रहे थे कि एक कोई हमने नॉन एम्प्टी सेट लिया है जी विथ सम ऑपरेशन से स्टार, और अब हम इस पे कुछ कंडीशंस लगाते हैं तब हम इसको बोलेंगे कि जी जो है वो ग्रुप फॉर्म करता है। अब देखते हैं कि हम वो कंडीशंस क्या हैं। तो इसकी जो फर्स्ट कंडीशन है वो, अगर हम ए और बी कोई दो एलिमेंट ले रहे हैं इस सेट से जी से, देन ये जो हमने ऑपरेशन डिफाइन किया है स्टार, अगर हम ए स्टार बी मतलब दो एलिमेंट पे अगर हम ऑपरेशन लगाते हैं तो वो हमें वापस से किस में मिलना चाहिए, इस सेट जी में से। इसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ए स्टार मीन्स अगर हमने कोई तीन एलिमेंट लिया है ए बी सी फ्रॉम द सेट जी, देन अगर हम बी स्टार सी पे पहले लगाते हैं और जो हमारा एलिमेंट आता है उसके बाद फिर उस पे और ए पे अगर हम ऑपरेशन लगाते हैं तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिविटी। ओके, अब थर्ड प्रॉपर्टी है, अगर हमें इस जी से कोई एक ऐसा एलिमेंट मिलता है से ई सच दैट ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए, मीन्स अगर हम हमें कोई एक ऐसा एलिमेंट मिलता है जी से जिसको अगर हम किसी भी एलिमेंट पे ऑपरेट करें तो हमें वो खुद ही एलिमेंट दे दे। जैसे अगर हमने ए पे ऑपरेट किया ई को तो ये हमें क्या मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो ई है इसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा, अगर कोई हमें एलिमेंट मिलता है बी से सॉरी बी इस सेट जी से सच दैट अगर हम इसको ए के साथ ऑपरेट करें तो ये हमें क्या देता है, ई। इसको हम चाहे लेफ्ट से ऑपरेट करें या फिर राइट से ऑपरेट करें तो हमें ये ई देना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो बी है इसको हम बोलेंगे इनवर्स, इनवर्स ऑफ ए। यस, इनवर्स ऑफ एलिमेंट ए। सो फॉर ऑल दिस प्रॉपर्टीज दिस सेट जी इज कॉल्ड ग्रुप। सॉरी समथिंग रॉन्ग है, लिख नहीं पा रहा ढंग से।
यहाँ पे ये जो जी है इस ऑपरेशन के साथ में हम इसको बोलेंगे कि ग्रुप ग्रुप बना रहा है। ठीक है, ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई ग्रुप की। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज हम लोग कोई भी लेते हैं, सपोज हमने ले लिया इंटीजर्स को, तो इंटीजर्स हमारे हो गए 0, 1, 2, -1, -2, ये हमारे हो गए। अब हम इस पे एक ऑपरेशन डिफाइन कर देते हैं, सपोज प्लस का, देन ये क्या ये ग्रुप फॉर्म करेगा? तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि क्लोजर होल्ड हो रहा है क्या। तो उसके लिए हम इसके कोई भी एलिमेंट लें, दो एलिमेंट जेड से, तो हमें क्या मिलना चाहिए, ए प्लस बी किससे बिलोंग करना चाहिए हमारा, इस इंटीजर से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कोई भी अगर दो एलिमेंट लेंगे, सपोज करो 5 5 ले लिया, +4 ले लिया, 9, ये अगेन हमारा इंटीजर बनेगा। इसलिए हम आप चाहे चेक कर सकते हो इसमें से अगर हम कोई भी दो एलिमेंट लेंगे सेट से बिलोंग करेगा। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड हो गया। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या देखना है, एसोसिएटिविटी। तो ये तो हमें पता है कि हम अगर कोई भी तीन एलिमेंट लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, इसको चाहे हम बी प्लस सी को ऐड करके फिर ए ऐड करें, या फिर ए प्लस बी ऐड करके सी ऐड करें, ये हमेशा क्या देगा, हमें इक्वल दे दे। इसलिए यहाँ पे हमारा एसोसिएटिविटी होल्ड हो जाएगा। देन हमारा है आइडेंटिटी। अब हमें देखना कि यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट हमें मिल रहा है कि हम उसको इस सेट के किसी भी एलिमेंट में प्लस करें तो हमें वो एलिमेंट मिल जाना चाहिए। मीन्स अगर हमें यहाँ पे कोई एक ऐसा एलिमेंट मिले जेड से, सच दैट हम ए में ऐड करें उस एलिमेंट को, तो हमें क्या मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, जीरो 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 मिल जाएगा। ओके, तो यस मैम यहाँ पे ए प्लस जीरो जो है वो ए हो जाएगा। ठीक है, इसको हम चाहे लेफ्ट से ऑपरेट करें चाहे राइट से ऑपरेट करें, ये हमें हमेशा ए देगा। तो यहाँ पे जो जीरो हो गया वो क्या हो गया, हमारा आइडेंटिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है इनवर्स। इनवर्स के लिए हमें एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा बी जेड से, सच दैट हम ए में प्लस करें बी को, तो हमें क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मतलब जीरो मिलना चाहिए। आइडेंटिटी जीरो यस, तो यहाँ पे हम बी को क्या ले सकते हैं, माइनस ए ले सकते हैं। मैम तो हम ए में अगर हम प्लस करते हैं माइनस ए, तो ये हमें क्या देगा, जीरो। ठीक है, जीरो तो यहाँ पे जो माइनस ए है ये हमारा क्या हो गया, इनवर्स हो गया हमारा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारा जेड है वो किसके रिस्पेक्ट में, प्लस के रिस्पेक्ट में क्या फॉर्म हो रहा है, ग्रुप फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग देख सकते हैं कि हमारा रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, और क्या क्या हो सकता है। रियल है प्लस के रिस्पेक्ट में, कॉम्प्लेक्स है, देन हम लोग आर स्टार भी ले सकते हैं। आर स्टार मीन्स है कि हमने रियल नंबर में से क्या माइनस कर दिया है, जीरो जीरो हटा दिया।
ओके, देन ये हमारा जो आर स्टार है वो क्या करता है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, ग्रुप बनाता है। ग्रुप बना, ठीक है। ऐसे ही अगर हम सी स्टार लेंगे मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में तो वो भी ग्रुप फॉर्म करेगा। और कोई एग्जांपल्स जो आप लोग रिकॉल करना चाहें? मैट्रिक्स का हो गया एक, अगर हम मैट्रिक्स का सेट लें, ठीक है, और इसको किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं अभी, प्लस के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं किसी भी दो मैट्रिक्स को अगर हम ऐड करेंगे, और यहाँ पे जो हम ए बी सी डी ले रहे हैं वो सपोज हमने रियल नंबर से ली, ठीक है, रियल नंबर से, तो हमें पता है कि अगर हम कोई भी दो इसके एलिमेंट लेंगे, सपोज करिए ए वन बी वन सी वन डी वन प्लस ए टू बी टू सी टू डी टू, तो अगेन हमें ये क्या मिल जाएगा, ए वन प्लस बी वन मिलेगा, बी वन प्लस सॉरी ए वन प्लस एट मिलेगा, बी वन प्लस बी टू मिलेगा, सी वन प्लस सी टू और डी वन प्लस तो अगेन ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो चीज है ये बिलोंग करेगा रियल नंबर से, ये भी बिलोंग करेगा रियल नंबर से, ये भी रियल नंबर से बिलोंग कर जाएगा और ये भी रियल नंबर से बिलोंग कर जाएगा। इसका मतलब इन दोनों का सम हमारा कहाँ से बिलोंग कर गया, इस मैट्रिक्स वाले सेट से, जहाँ पे ये जो इसकी कॉपी ये जो एंट्रीज है ये कहाँ से आएंगी हमारी, रियल नंबर से। इसका मतलब हमारा बाइनरी ऑपरेशन सॉरी क्लोजर जो प्रॉपर्टी है वो होल्ड हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और असोसिएटिविटी भी इसी प्रकार जैसे हमने पिछले वाले ग्रुप्स में किया है, ऑब्वियस ये होल्ड हो जाएगी क्योंकि प्लस के रिस्पेक्ट में रियल नंबर्स में हमारा असोसिएटिविटी होल्ड होता है। नेक्स्ट हम मैम, देखते हैं कि हाँ बाइनरी और क्लोजर ऑपरेशन में क्या डिफरेंस होता है? ये सेम ही होता है, बाइनरी ऑपरेशन भी यही कहता है कि अगर हम किसी भी सेट से दो एलिमेंट लेते हैं और उस पे ऑपरेशन लगाते हैं, तो ऑपरेशन लगाने के बाद वो उसी सेट से हमें एलिमेंट मिलना चाहिए। ओके, यस मैम। सो नेक्स्ट हमें इस यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा जिसमें हम ए बी सी डी को जोड़े, मतलब इस मैट्रिक्स में प्लस करें तो हमें फिर से ये मैट्रिक्स मिलना चाहिए। तो जीरो मैट्रिक्स ले सकते हैं हम यहाँ पे, यस मैम। तो अगेन हमें यहाँ पे ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये जो जीरो मैट्रिक्स है वो क्या हो गया हमारी आइडेंटिटी। ओके, और इनवर्स के लिए हम क्या ले सकते हैं, माइनस ऐसा किसका माइनस माइनस एक्स, ऑफ दैट मैट्रिक्स। यस, देन ये हमें क्या दे देगा अगेन, जीरो मैट्रिक्स दे, जो कि हमारा आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे ये चीज जो क्या होगी हमारी इनवर्स होगी। तो हमने देखा कि जो मैट्रिक्स का हमने एक सेट लिया जहाँ पे हमारी जो एंट्रीज थी वो रियल नंबर से आ रही थी, तो ये भी हमारा क्या बन रहा था, ग्रुप किसके रिस्पेक्ट में, प्लस के रिस्पेक्ट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या ये मल्टीप्लिकेशन में भी बनाएगा ग्रुप, नहीं बनाएगा, जीरो क्यों नहीं बनाएगा, बनाएगा मतलब मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं मिलेगा, करेगा। बताइए नहीं, आप लोग। नहीं नो मैम। बनाएगा, बताइए। बनाएगा तो क्यों बनाएगा और नहीं बनाएगा तो क्यों नहीं बनाएगा,
हमने एक सेट लिया ए बी सी डी, यहाँ पे हमारे ए बी सी डी जो है वो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, और मैं बोल रही हूँ कि इसको सेट को सपोज करें मैंने जी नाम दे दिया है, तो ये जो जी है वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करेगा या नहीं? देखिए अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी करना होगा जब मतलब ये जी जो है वो ग्रुप फॉर्म करेगा तब जब ए बी करेगा, आठ स्टार से बिलोंग करेगा। ओके कुछ लोग बोल रहे हैं कि करेगा, चलो ठीक है हम लोग देखते हैं। तो ये क्लोज प्रॉपर्टी तो होल्ड हो जाएगी, तो ऑब्वियस है क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें अगेन रियल नंबर मिल जाएगा यस मैम क्वेश्चन। करेगा। ओके ठीक है, तो मुझे इसका आइडेंटिटी बताओ फिर एक बार। वन 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 जीरो जीरो वन 1 0 0 वन वन जीरो वन वन जीरो ओके ये होगा इसका जीरो आइडेंटिटी। ठीक है, तो अब मुझे बताओ इनवर्स ए बी सी डी का, इसका इनवर्स क्या होगा? 1/AD माइनस बी सी। 1/AD माइनस बी सी, डी माइनस बी माइनस सी ए। अब जो लोग बोल रहे हैं कि ये ग्रुप फॉर्म करेगा, तो यहाँ पे मुझे एक कंडीशन बताओ, जब ए डी माइनस बी सी अगर हमारा जीरो हो गया देन ये एग्जिस्ट करेगा? नो मैम, तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे इन जनरल ये नॉट ग्रुप नहीं फॉर्म करेगा, तो यहाँ पे हमें क्या कंडीशन को एक्सक्लूड करना पड़ेगा? नॉन सिंगुलैरिटी, सिंगुलैरिटी नॉन सिंगुलैरिटी, जहाँ पे हमारा जो डिटरमिनेंट है वो हमारा क्या नहीं होना चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारा एक ग्रुप आ जाता है जिसको हम बोलते हैं जी एल एन, और कोई भी फील्ड हो सकता है यहाँ पे। एन मतलब एन क्रॉस एन मैट्रिक्स का, इसमें सारे हमारे मैट्रिक्स का कलेक्शन सच दैट जो डिटरमिनेंट ए का है वो क्या होना चाहिए हमारा? नॉन जीरो, तब ये हमारा मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करे। क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे हमारा क्या प्रॉब्लम आ रहा था कि अगर डिटरमिनेंट जीरो हो जाता है तब हमें प्रॉब्लम हो, तो हमने उसको एक्सक्लूड कर लिया, मतलब जो डिटरमिनेंट है वो हमारा नॉन जीरो होना चाहिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ग्रुप फॉर्म कर दे। ओके अब इसी में क्या होता है, एक स्पेशल केस आता है। वो स्पेशल क्या होता है? जब हमारा जो डिटरमिनेंट है वो क्या हो जाए? वन। एसएलएनआर हाँ, तो इसको हम बोल देते हैं एस एल एन, और एसएलएन आर बोल सकते हो या क्यू बोल सकते हो या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हो, या फिर तुम एक फाइनाइट फील्ड पे भी बात कर। इसका कहने का मतलब क्या है कि ये जो कॉफिशियंट, ये जो एंट्रीज हैं, ये आर से भी बिलोंग कर सकती है हमारा, क्यू से भी कर सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर से भी कर सकता है, और कोई फाइनाइट से भी कर सकता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्पेशल लीनियर ग्रुप, स्पेशल लीनियर ग्रुप, और इसका आता है जनरल लीनियर ग्रुप। ठीक है, अभी आगे इनकी बहुत सारी एप्लीकेशन आएंगी, इसलिए हमें जानना बेसिक बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार हम बेसिक्स क्लियर कर लेंगे देन हम लोग फटाफट आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? एग्जाम्पल होता है डिहाइड्रल ग्रुप। हाँ, अभी हम लोग तो डिहाइड्रल ग्रुप के लिए सपोज कीजिए हमने B3 लेते हैं हम लोग। ओके, तो इसको एक इससे समझिए डायग्राम से, ये हमने ट्राइंगलर फॉर्म ट्राइंगल ले ली ए बी सी। ठीक है, इसको हम 0 डिग्री से रोटेट करते हैं तो क्या फॉर्म होगा फिर? सेम सेम ट्रायंगल रहेगा। ट्राइंगल रह जाएगा, इसको मैं R0 नाम दे देती हूँ। ठीक है, अब इसको मैं कर रही हूँ रोटेट 90 डिग्री से, तो क्या फॉर्म होगा?
क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज कर लो, ऐसे रोटेट कर दिया मैं। तो क्या फॉर्म होगा फिर इसका? ये 90 डिग्री होगा या 120 डिग्री? ओके सॉरी, 120 डिग्री होगा ये मैम। 360/3 कर लेते हैं। हाँ वो करते हैं। अगर इन केस हम लोग 90 डिग्री रोटेट करते हैं तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पे? ठीक है 120 डिग्री बताइए फिर क्या लिखूं फिर मैं आगे? मैम जो टी ए ऊपर बी सी बी ए बी ए सी मतलब ये 120 एंगल से रोटेट हो गया। ठीक है नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा 360 डिग्री से, सॉरी 240 डिग्री से। तो ये ट्राइंगल फॉर्म होगा ए सी ए, यहाँ चला जाएगा ए, यहाँ चला जाएगा बी आ गया। ठीक है ठीक है, ये तो हमारा हो गया रोटेशन। अब क्या कर सकते हैं हम इसको रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे देखिए ये हो गया हमारा कोई भी। अब एक तो हम इसके कोरस्पोंडिंग रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसके अराउंड रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और एक इसके अराउंड रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तीन केसेस हो गए हमारे पास। ठीक है एक एक को देखते हैं। सपोज हम लोग इसको यहां से रिफ्लेक्ट कर देते हैं तो क्या इसका फॉर्म होगा? मैम एफ ए ये सी बी। हाँ तो ये बी और सी जो है वो इंटरसेक्टिंग हो जाएगा। ठीक है इसको हम लोग कुछ बी वन नाम दे देते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा हो गया इसको हमने रिफ्लेक्ट कर दिया। एक्चुअली ड्राइंग मेरी थोड़ी ऐसी ही है इसलिए प्लीज इस पे ध्यान मत दीजिएगा, ट्यूशन पे ध्यान दीजिए। ओके नो प्रॉब्लम। ओके अब अभी क्या होगा इसका? अभी बी ऐसे कैसे रह जाएगा? बी फिक्स रहेगा तो सी हो जाएगा। ठीक है यस सर। ओके अब नेक्स्ट हमारा हो जाएगा नॉन सी से रोटेट। अब हम इसको सी से रोटेट कर देते हैं। इसको हमने बी नाम दे दिया। बी ए सी यहाँ पे सी ऐसे कैसे रहेगा और ये हो जाएगा ए। अब इसमें और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, हमने रोटेट भी करके देख लिया और रिफ्लेक्ट भी करके देख। ठीक है तो हमारा ये जो सेट बन गया ये क्या बन गया? आर जीरो, आर 120 डिग्री, आर 240 डिग्री, इसको वी वन नाम दे दिया, वी टू और वी थ्री। तो अब ये जो सेट बन गया इसको अगर मैं जी बोलूं तो ये जो सेट है वो ग्रुप फॉर्म करेगा। ठीक है तो ग्रुप कैसे फॉर्म करेगा? जैसे हमें अब ग्रुप फॉर्म करने के लिए हमें कोई ऑपरेशन चाहिए ताकि हम उस पर ऑपरेशन लगाए तो इसी सेट से हमें एलिमेंट मिल सके। ठीक है जैसे मुझे करना है आर 120 डिग्री, इसको मैं ओ बोल दे रही हूँ ऑपरेशन के लिए फिलहाल के लिए, आर 240। ठीक है तो ये इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हम आर 40 लेंगे ये वाला, देन उसके बाद में हम क्या ऑपरेटिंग करेंगे उस पर? आर 120 डिग्री।
जैसे ये हमारा ओरिजिनल हो गया, बी सी ये ओरिजिनल था, इस पे सबसे पहले हमने क्या लगाया 240 डिग्री से हमने इसको रोटेट किया तो हमारा ये वाला आ गया, और इसके बाद इस पे हम लोग क्या करेंगे आर 120 डिग्री, तो इसका क्या आ जाएगा 120 डिग्री लगाने के बाद में क्या आएगा इसका 120 डिग्री लगाने के बाद, ये वाला एलिमेंट होगा? यस मैम। और ये हमारा इसमें से कौन सा है, आर जीरो है? आर जीरो। अगेन हमें क्या इसमें से सेट में से मिल गया? यस मैम। ऐसे ही हम लोग इसमें से कोई भी उठाते हैं, कोई भी दो एलिमेंट उठाएंगे और उस पे कंपोजिशन का ऑपरेशन लगाएंगे तो हमें अगेन इसी सेट में से कोई ना कोई एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है? तो ये तो हो गया हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी, और ऐसे ही एसोसिएटिविटी भी इसमें होल्ड हो जाएगी, आप लोग चेक करके देखिएगा। अब बात आता है हमारा आइडेंटिटी। अब यहाँ पे आइडेंटिटी क्या होती है? आर जीरो। यस आर जीरो। आर जीरो। हाँ, आर जीरो में हमें क्या करें, कुछ भी ना रोटेट करें ना रिफ्लेक्ट करें, कुछ नहीं कर रहे, तो कुछ भी नहीं करेंगे तो मतलब वो जो भी हम लोग करेंगे वो खुद ऐसे कैसे ही रह जाएगी, ठीक है? अब इनवर्स की बात आती है, तो इनवर्स इसमें आर 120 का क्या हो जाएगा? आर 240 हो जाएगा। आप लोग चेक करिएगा कि इसके लिए हमें कैसे पता चलेगा कि इसका इनवर्स है या नहीं है। आर 120 ऑपरेट करने के बाद आर जीरो आएगा। आर जीरो, ठीक है? ये लोग आप चेक करके देखिएगा कि ये हम लोग सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे, इसका इनवर्स रियली में यही होगा या नहीं होगा, ठीक है? ओके, ये तो बात होगी हमारी इन वाली एलिमेंट की। अब इनकी बात करते हैं, आइडेंटिटी तो सब में आर जीरो ही रहेगा, बट इसका इनवर्स क्या होगा? सब क्या होते हैं इसमें आप लोग चेक रहेगा, ये लोग क्या करेंगे, ये अपना सेल्फ इनवर्स होगा। सेल्फ इनवर्स होता है, ऑर्डर टू क्या होती है? हाँ, इनको अगर खुद पे ऑपरेट करेंगे दूसरी बार तो ये सेम वही वाला देंगे। जैसे अगर हम एक फॉर एग्जांपल करें, जैसे ये वाला हम ले रहे हैं, इसको फिर अगेन हम लोग इसी के इस पर में करते हैं, तो ये हमारा क्या बना देगा, ये ऐसे कैसे रह गया, बी और सी इंटरचेंज हो गया। तो ये हमने देखा कि क्या आ गया, पहले वाला ही आ गया, मतलब आर जीरो आ गया हमारा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वी वन जो है वो अपना खुद का इनवर्स होता है, वी टू भी खुद का और वी थ्री भी। अब यहाँ पे ये जो रोटेशन हो रहे थे, मतलब ये जो आर जीरो आर 120 आर 240 इनको हम बोलते हैं रोटेशन, और जो ये वी वन वी टू और वी थ्री होते हैं इनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है? हम अब जो भी ये जो रोटेशन और रिफ्लेक्शन और इनका जो ये हम लोग कलेक्शन ले रहे थे इसको हम बोलते हैं डीएन, मन डाइहेड्रल ग्रुप, ठीक है? अब किसी भी डीएन को हम रोटेशन और रिफ्लेक्शन से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसके क्वेश्चंस आपके नेट और गेट में काफी पूछे जाते हैं, और गेट में तो आपका सीधा क्या दे देता है, इसकी रिप्रेजेंटेशन दे देगा और आपको पूछेगा कि आप ये बताइए कि ये कौन सा ग्रुप है। ये इस टाइप का आपका दो या तीन क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, मैं अभी आपको करवाऊंगी इसके बाद थ्योरी के बाद में। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं डीएन को एक्स वाई, इसको एक्स कोमा वाई से भी जनरेटेड बोलते हैं और कई बार इसकी पावर्स में भी लिख देते हैं। तो अभी हम एक बार ये देखते हैं, एक्स हमारे क्या है यहाँ पे रोटेशन, और वाई क्या है रिफ्लेक्शन, ठीक है? तो एक्स की पावर आइडेंटिटी और वाई क्या है रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन ऑलवेज हमारे सेल्फ इनवर्स, ठीक है? तो सेल्फ इनवर्स होते हैं, इसका मतलब है कि
एफ स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, वाई स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी, और एक इसमें और होता है वाई एक्स इक्वल टू एक्स इनवर्स वाई, ठीक है। ये हमारा डीएन की जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है जो कि हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, और गेट में काफी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसकी जनरल फॉर्म आपको ध्यान रहना बहुत जरूरी है। अभी इसके क्वेश्चंस पे हम आएंगे, तो ये हो गया डायहेड्रल ग्रुप, और नेक्स्ट आपका एक और आता है यूएन ग्रुप। इसमें क्या आता है आपका, वो एलिमेंट 1 से लेके n से छोटे सच दैट a और n का जो जीसीडी है वो क्या होना चाहिए हमारा 1। यहाँ पे इसको आप मतलब समझ पा रहे हैं ना कि ये जीसीडी को रिप्रेजेंट करता है? यस मैम, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा। ओके मैम, डी वन और डी टू एग्जिस्ट करता है? हाँ बिल्कुल करता है। डी वन आपका क्या हो जाएगा, एक पॉइंट हो जाएगा, डी टू क्या हो जाएगा, दो पॉइंट हो जाएंगे, लाइन लाइन हो जाएगा। फिर इसमें डी थ्री में आपका क्या आ जाता है, ट्राइंगल आ जाता है। डी फोर में क्या हो गया आपका, स्क्वायर रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल हो गया। ऐसे ही पेंटागोन हेक्सागोन इस टाइप से आपके आते जाएंगे, इन्हीं को अब इसी में जैसे ही आपका स्क्वायर आ गया, इसी में आपका जैसे एंगल से रोटेट कैसे करोगे 360 बाई, यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ गया 90 डिग्री। तो पहले हम 90 डिग्री से रोटेट करेंगे, फिर 180 डिग्री से, 270 डिग्री से, और लास्ट में 360 डिग्री और 0 डिग्री से। ऐसे ऐसा होता है क्या, शायद सिंगल पॉइंट के लिए शायद नहीं होता है, आपको पता नहीं, मुझे ऐसे से याद नहीं है, लेकिन कभी पॉइंट में हमें रिफ्लेक्शन रोटेशन कैसे देखेंगे, ये सिर्फ आर जीरो ही हो गया पॉइंट में, तो मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन पॉइंट वाला ये एक ट्रिवियल ही हो गया, ये इसको आर जीरो हम बोल सकते हैं आई थिंक। मैम कुछ भी सुनाई नहीं दिया आवाज, आप दोनों का कट गया। ओके कलिका बोल रहे हैं कि यहाँ पे उनको लग रहा है कि अगर आर जीरो हमारा आता है तो वो ग्रुप फॉर्म नहीं करता है, मींस आर टू या सॉरी डी टू या डी थ्री से शुरू होता है, और मैं ये बोल रही हूँ कि आर जीरो ट्रिवियल हो जाएगा, आर जीरो सॉरी आर जीरो पर ट्रिवियल ही हो जाएगा, वो तो सारा हुल होगा आर जीरो पाई। हाँ ये हमारा इसको जैसे ट्रिवियल हमारा क्या होता है, क्योंकि हाँ भाई मैं कहना चाहता हूँ कि भी हम बात करते हैं तो इन जनरल नॉन ट्रिवियल की करते हैं, लेकिन कुछ डीवन में कुछ ऐसा था जो कंफ्यूजिंग था। ओके मैं कल देख के इसको हम लोग कल फिर से एक बार कर लेंगे, मतलब ये सही है, मेरा जो डाउट है तो एक बार देख लेंगे, देख मैं भी देखूंगा थोड़ा सा, मेरा भी डाउट दूर हो जाएगा, ठीक है इसको कल कर लेंगे। क्लियर हुआ डाउट मैम? आवाज थोड़ा नेटवर्क, ठीक है कल इसको डाउट को क्लियर करके तुम्हारा सर बोलेगी। हाँ हाँ बोलो, बस इतना ही सुन पाएंगे सर बोले इस बारे में, कल डिस्कस करेंगे। ओके ठीक है तो कल करते हैं। हाँ इसका मैम वो यही बोल रहे थे कि जो अगर हम एक पॉइंट लेते हैं तो वो ग्रुप फॉर्म करेगा या नहीं करेगा, ये डाउट आ रहा था, ठीक है। यस मैम। ओके तो नेक्स्ट हम चलते हैं इसमें यूएन ग्रुप में, तो इसमें किस टाइप के एलिमेंट्स का कलेक्शन हम लोग लेते हैं, एक से स्टार्ट और एन से छोटे वो सारे एलिमेंट जिनका ए के साथ, ए का एन के साथ क्या होना चाहिए, जीसीडी 1 होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम सबसे 3 लेते हैं तो क्या क्या इसमें एलिमेंट आ जाएगा, 1 2 1 2, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लें U10 तो 1 से शुरू करेंगे और n से छोटे वो सारे एलिमेंट्स देख लेंगे जिनका जीसीडी 10 के साथ में क्या देना चाहिए,
वन, ठीक है, तो वन आ जाएगा, फिर थ्री होगा आपका सेवन, सेवन हो जाएगा, नाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ग्रुप फॉर्म करेगा किसके रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन मोडुलो एन के रिस्पेक्ट, ठीक है। मोडुलो तो आप लोग जानते होंगे, यस मैम, सभी लोगों को कोई दिक्कत नहीं है ना मोडुलो में, या फिर मुझे बताना पड़ेगा? ओके, एक एग्जांपल से हम लोग देखते थे, यू टेन से ही देख इसका ऑपरेशन एक बार देख लेते हैं। जैसे देखिए, हमें वन मोडुलो, अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा टेन मोडुलो, ठीक है, थ्री करना होगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, वन को थ्री से मल्टीप्लाई करिए और इसको क्या ले लीजिए आप, मोड टेन, तो ये हमारा थ्री ही रह जाएगा। जैसे हमें सेवन और नाइन को करना है, सेवन मोडुलो टेन नाइन, तो इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 63। अब इसको हमें क्या करना है, मोडुलो टेन में कन्वर्ट कर देना है। तो मोडुलो टेन में कैसे करेंगे, इसको टेन से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आता है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। तो सेवन और नाइन का जो मल्टीप्लीकेशन मोडुलो टेन होगा वो हमारा थ्री आ जाएगा, तो ये थ्री अगेन हमारा इसमें मिल गया। तो ऐसे हम इसके किसी भी एलिमेंट में, किसी भी दो एलिमेंट पे ये ऑपरेशन हम लोग ऑपरेट करते हैं मॉडुलो में, मिल जाएगा। तो इससे हमें क्या मिल गया, क्लोजर, और ऐसे ही हमें एसोसिएटिव भी मिल जाएगा, आप लोग इसको चेक करिएगा। नेक्स्ट आता है इसका आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, इसका वन हो जाएगा, क्योंकि अगर ए कोई भी एलिमेंट लेते हैं और इसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन वो ए ही आ जाएगा। और इनवर्स हमारा क्या होगा, सच दैट हमारा उनका प्रोडक्ट करने के बाद अगर मॉडुलो टेन ले तो हमारा क्या देना चाहिए, वन देना चाहिए। सपोज यहाँ पे हमें किसी का इनवर्स, थ्री का इनवर्स अगर हमें फाइंड आउट करना है, सेवन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसको अगर हम मॉडुलो टेन लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका 21, और ये मॉडुलो में क्या दे देगा आपको, वन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इनवर्स भी मिल जाएगा, क्या फॉर्म कर देगा, ग्रुप फॉर्म कर देगा, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन के ऑपरेशन के साथ, ठीक है। तो ये हमारे कुछ ग्रुप्स थे जो हमें आगे काम आएंगे। अब हम बात करते हैं ऑर्डर की, तो एक कोई अगर जी ग्रुप है तो इसका ऑर्डर को हम इस टाइप से भी डिनोट करते हैं, या फिर आप ऑर्डर ऑफ जी भी लिख सकते हो। इसको हम कैसे देखते हैं कि, अच्छा आपने सेट उसकी बात की होगी पिछली क्लासेस में, yes, उसमें हमने क्या देखा था कार्डिनलिटी में, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, एलिमेंट्स, एग्जैक्टली। इसमें भी हमें वही देखना है, इसमें क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी। बस जो हमने सेट में किया था कि उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो उसकी कार्डिनलिटी, ऐसे ही इस जी में कितने एलिमेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, उस ग्रुप का ऑर्डर बोल देंगे। ये तो हुआ ग्रुप का ऑर्डर, अब एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, सपोज हमारा ए बिलोंग कर रहा है जी से, पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी तो यहाँ पे जैसे सपोज कीजिए ए पे हम ऑपरेट कर रहे हैं, ए को ए स्टार लगा दिया, तो ये कुछ ए स्केयर आएगा, फिर इस पे फिर से अगेन करेंगे
एक ऑपरेट, तो ये ए क्यूब आएगा, तो ये क्योंकि ग्रुप है तो ये सारे एलिमेंट कहाँ से बिलोंग करेंगे? यस ग्रुप से, ठीक है। तो अब हम इसको तब तक ऑपरेट करते जाएंगे जब तक हमें क्या ना मिल जाए, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी। ओके, तो ऑपरेट करते गए और ऐसे करते गए, तो जिस एन पे हमें आइडेंटिटी मिल गया वहां पे हम क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, और ये जो एन होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, दिस पॉजिटिव इंटीजर इज ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। एनिमल। यस, ठीक है। अब इसको डिफाइन करें कैसे करेंगे, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट ए टू द पावर एन इक्वल टू आइडेंटिटी। अब इस एन से छोटा हमें कोई ऐसा नंबर नहीं मिलना चाहिए कि उसको हम ए की पावर करें और वो क्या देते हैं हमें, आइडेंटिटी देते। इसलिए यहाँ पे हमने लिस्ट ऐड किया है, क्योंकि हमें कई बार जैसे किसी किसी उसमें क्वेश्चन में दिया होता है कि ए की पावर 10 जो है वो आइडेंटिटी है, तो कई बार हम लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे क्या दे दिया है उसने, ऑर्डर दे दिया है, जबकि ये ऑर्डर नहीं होता है। ये बता रहा है कि ए की पावर 10 करने पे आइडेंटिटी दे रहा है। एक नंबर मिल सकता है ना कि जिसकी हम कुछ और पावर करें और हमें आइडेंटिटी दे दे। इसलिए इस चीज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए की पावर समथिंग आइडेंटिटी दे दिया है, इसका मतलब वो उसका ऑर्डर हो गया। ये अभी हम इसका आगे पढ़ेंगे कहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो आप लोग, तो इसको ध्यान में रखना। ये इसका हो गया हमारा ऑर्डर। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। पहले ग्रुप का देखते हैं, जेड है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इनफिनाइट। इन्फिनिट। ऐसे ही हमारा रियल का भी ऑर्डर इनफाइनाइट हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स का भी इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे जिसका ऑर्डर इनफाइनाइट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट ग्रुप। अच्छा, यूएन में कितने एलिमेंट होंगे, ये चीज आपने शायद कल लिया, आज वाली क्लास में आपने पढ़ा होगा। इसमें आपने क्या देखा था कि फाई एन में क्या आता है, वन से बड़ा और बड़ा या इक्वल और एन से छोटे, वो सारे एलिमेंट सच दैट ए और एन का जीसीडी तुम्हारा क्या देता है, वन देता है ना। इसको हमने फाई एन बोला था, और यूएन भी हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, इसी वाले सेट से। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा तुम्हारा, फाई। इसको आपने कैलकुलेट करना सीख लिया था। ओके, और आपका कौन सा, ओके, मैट्रिक्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जी एल एन ओवर कोई भी फील्ड। अब एफ हमारा क्या क्या हो सकता है, रियल हो सकता है, रेशनल नंबर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, या फिर कोई फाइनाइट हो सकता है, जैसे एफ पी नाम दे देते, ठीक है। तो रियल रेशनल और इस पे तो हम लोग देख सकते हैं कि हमेशा इनफाइनाइट होगा, क्योंकि एंट्रीज क्या होंगे हमारे, सपोज अगर हम 2 डिग्री का, सॉरी 2x2 का ले रहे हैं, तो इस ये भी के लिए हमारे पास तो चॉइसेस इनफाइनाइट है, इसके लिए भी इनफाइनाइट चॉइसेस हैं, सबके लिए यहाँ पे इनफाइनाइट चॉइसेस है। तो यहाँ पे हमारे पास आर क्यू और सी में क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैट्रिसेस हो जाएंगे। अब अगर हम फाइनाइट फील्ड पे बात करें, तो अगर जैसे सपोज कीजिए हम लोग बात करते हैं GL2 की बात करें, ओवर सपोज Z2 पे ही बात करते हैं। अच्छा, ZN आपको पता है क्या होता है, सबको पता है, यस मैम तो उसको हम ज्यादा वो नहीं करते, उसका डायरेक्टली हम यूज कर लेते हैं।
इसमें हमारा किस टाइप का सेट हो जाएगा, ए बी सी डी, सच दैट हमारे से आने चाहिए Z2 से, जिसको अगर थोड़ा बहुत इसमें कंफ्यूजन है तो ZN में हमारे 1, 2, 3, 4 मतलब इंटीजर से आते हैं, पर इसमें क्या आ जाता है आपके N पे रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, मतलब N से छोटे ही इंटीजर इसमें आते हैं, इंटीजर ही आते हैं, 1 से शुरू होके हमारे N से छोटे आ जाते हैं, और इसमें जो हमारा ऑपरेशन होता है वो प्लस मॉड्यूलो N का होता है। जैसे अगर हम Z4 की बात करें तो इसमें आ जाएगा 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3। और इसमें ये प्लस मॉड्यूलो वो कैसे काम करेगा, जैसे हम मल्टीप्लिकेशन में कर रहे थे ऐसे ही यहाँ पे काम करेगा, मतलब ए प्लस बी करके हमको इसमें मॉड्यूलो एन में कन्वर्ट कर देना। जैसे यहाँ पे 3 प्लस मॉड्यूलो अगर 4 ले 2 के साथ में, तो ये 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, पर जब मोड 4 में करेंगे तो ये हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ले लिया Z2 पे, तो Z2 में कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, 0 और 1। इसके पास कितनी चॉइसेस हो गई, 2 चॉइसेस, और इसके पास भी 2। पर अब यहाँ पे हमारे पास क्या कनेक्शन है कि इसका डिटरमिनेंट क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या नहीं आ सकता, जो सी और डी है वो इसके मल्टीपल्स नहीं आ सकते, सी और डी आपका 0 भी नहीं आ सकता, यही हुआ ना। तो यहाँ पे आपकी होगी 2 स्क्वायर चॉइसेस। अब यहाँ पे कितना हो गया आपके पास, सॉरी यहाँ पे एक हमें वो करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 नहीं हो सकता है, ए और बी दोनों ही 0 नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर 0 हो गए तो डिटरमिनेंट 0 दे देगा। ऐसे ही इसमें 0 और जो इसके मल्टीपल है उसका अगर हम लोग एक्सक्लूड करेंगे तो यहाँ पे इतने सारे हमारे पास चॉइसेस हो जाएंगे, और अगर इसको हम कंबाइन करेंगे तो ये हमें ये दे देंगे, इतने सारे पॉसिबल एलिमेंट्स हो जाएंगे, और इतने सारे पॉसिबल मैट्रिसेस हो जाएंगी इस वाले सेट के अंदर। तो यहाँ से हमारा जो इस ग्रुप का ऑर्डर जो है वो आ गया 3 × 2 = 6। ठीक है, आप लोग ये चेक करके देख सकते हैं इसमें 6 मैट्रिसेस बनेगी। मैम इसको एक बार और बता दीजिए। ओके, GL2/Z इसमें हमारे पास ए बी सी डी सच दैट ए डी माइनस बी सी, डिटरमिनेंट को यही लिखते हैं हम लोग। यस मैम, ये हमारा नॉन जीरो होना चाहिए, और जो ये ए बी सी डी जो है वो कहाँ से आना चाहिए, जेड टू से। ठीक है, और जेड टू में हमारे पास क्या कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 0 और 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 0 और 1 आ सकता है, यहाँ पे भी 0 और 1 आ सकता है, इन सब के पास 2 2 चॉइस। ठीक है, अब इसके पास 2 चॉइस, इसके पास भी 2 चॉइस, तो टोटल चॉइस कितनी होगी, 2 की पावर 2 4। बट अगर यहाँ पे 0 आ गया, ए और बी दोनों 0 हो गए, तब हमारा क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। Yes, ma'am. अगर ए और बी दोनों एक साथ में 0 हो जाते हैं तो डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उस केस को हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में भी इसके पास 2 चॉइसेस, इसके पास 2 चॉइसेस,
तो टोटल 2 की पावर 2 चॉइसेस हो गई। ओके अब ये वाला केस, तो इसमें भी आ सकता है सी और डी दोनों 0 हो जाए एक साथ में। यस मैम, तो डिटरमिनेंट 0 हो जाएंगे। हाँ तो इसको एक्सक्लूड कर दिया हमने एक केस को। अब एक केस ये भी तो हो सकता है ना कि ये जो सी और डी है वो इसके मल्टीपल्स हैं ए और बी के, मीन्स यहाँ पे मल्टीपल आने का मतलब है या तो 1 1 भी आ सकते हैं, अगर ऊपर जैसे 1 1 आ रखा था और सी और डी भी 1 1 आ गए तो भी इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 जीरो हो जाएगा। इस वाले केस को भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना इसका। पड़ेगा। तो इसको भी हम एक्सक्लूड कर दिए। अब और तो कोई केस हमारे पास यहाँ पे बच नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट 0 और 1 ही, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर। अभी क्लियर हुआ कि नहीं है, इसके लिए ये मैम, चॉइसेस आ गया और इसके लिए ये चॉइसेस आ गया। तो यस अब मैम, अगर इसको हम लोग कंबाइन करते हैं तो ये हमें ये चीज देगा, 3 4 ठीक है। माइनस 2, तो ये 6 हो जाएगा। तो यस मैम, यहाँ से इसका जो ऑर्डर हो गया वो आपका 6। 6 हो गया, ठीक है। ऐसे भी इसका एक जनरल फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि अब हमारे पास टाइम कम है इसलिए हम लोग फटाफट फटाफट इसको, यहाँ तक किसको कोई दिक्कत नहीं है? नो मैम, नो मैम, नो ओके तो यहाँ पे मैं जेड पी को एफ पी भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि एक फाइनाइट फील्ड है जो इसका ऑर्डर कितना है, पी है। तो इसका फॉर्मूला का होता है पी की पावर एन माइनस पी पावर एन माइनस सॉरी, वन e टू द पावर एन माइनस टी टू द पावर तो ये से चलते जाएगा और लास्ट में, एन माइनस 2 पावर ठीक है, ये आपका जनरल लीनियर ग्रुप का वो देता है। और इससे एक डायरेक्ट क्वेश्चन नेट में पूछा हुआ है, मैं अभी आपको वो शो करती हूँ। डायरेक्ट पूछा हुआ है, कुछ नहीं, आपको सिर्फ फॉर्मूला अगर याद है तो आप वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकाल देंगे। और इसी टाइप से जो हमारा स्पेशल लीनियर ग्रुप होता है उसका होता है, पी माइनस 1 से डिवाइड कर देंगे। हाँ, पी माइनस वन से डिवाइड कर देंगे। मैम पी माइनस 1 क्यों डिवाइड कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमें क्या चाहिए, डिटरमिनेंट 1 चाहिए। 1 चाहिए। और यहाँ पे जैसे अगर तुमने उसमें वो कॉम्बिनेशंस एंड तो क्या बोलते हैं, वर्ड ही भूल गई, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जब पढ़ते हैं तो उसमें एक टाइप के जो आपके आते हैं तो उसमें डिवाइड करते ही नहीं करें, वहां से इसका कनेक्शन है। जो अगर थ्योरी में डिटेल में जाओगे तुम तो वहां से तुमको इसका रिप्लाई मिलेगा, क्योंकि अगर अभी अगर हम डीपली जाएंगे तो फिर बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा और ऑलरेडी टाइम हो चुका है, क्योंकि मैं कुछ सोच रही थी कुछ क्वेश्चंस आपको करवा देती। तो या इसको अगर आपको डिटेल में देखना है तो वहां से इसका डिटेल देख सकते हो आप, ठीक है। ठीक है राखी, अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछ लेना बात, ठीक है, ओके। ठीक है, तो अभी मैं कुछ आपको क्वेश्चंस डिस्प्ले करती हूँ, एक दो वो करिए एंड क्विकली आंसर आना चाहिए आपका, क्योंकि तभी पता चलेना कि कुछ समझ आया है कि नहीं। अच्छा एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, इसका जो वेटेज है ना एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का, वो आपका 25 to 45 marks है, इसलिए इस ये भी कम नहीं है आपका। इससे 6 to 8 questions हमेशा रहते हैं, मिनिमम अभी तक 6 questions इससे पूछे जा जा चुके हैं। और इसमें बेसिकली जो आपका ग्रुप थ्योरी है उसमें आपका डेफिनेशन से जैसे बेसिक्स भी क्वेश्चन पूछे हुए मैं अभी आपको दिखाती हूँ, और होमोमोर्फिज्म आइसोमोर्फिज्म से पूछता है लगभग, और कुछ कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जिससे पूछता है, तो वो भी हम धीरे धीरे करेंगे क्वेश्चंस। एक सेकंड, ओके ये 39 कर लीजिए, उसके बाद हम खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट कल करेंगे, आज बहुत टाइम हो गया है। ये वाला एक बार फटाफट मुझे कैलकुलेट करके बता दीजिए जो अभी हमने डिस्कस किया है, क्विकली आंसर आना चाहिए विद इन सेकेंड्स। 168।
168 और इसका ओके सो ये आप समर 2016 में पूछा गया है तो ये क्या है आपका अगर फॉर्मूला याद है डायरेक्टली आपके तीन नंबर आ गए विद इन सेकंड्स इसलिए बेसिक्स को हमें स्ट्रॉन्ग करके चलना है इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अभी आज का सेशन हम लोग आई थिंक